हमारे मुमरा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है, जिसके कोच खुद जावेद जैस खान है, जो कि मुंबई रणजी ट्रॉफी के बड़े खिलाड़ी है। जावेद ने रणजी द गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर के साथ खेली है। जिस वक्त और भी बड़े खिलाड़ी पिच पर उतरे हुए थे, जावेद जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूथ को क्रिकेट से जोड़ा जाए। कोचिंग मुमरा के जेके टर्फ में ही की जाएगी। ये टर्फ ऑल सीजन टर्फ है। स्कूल और ग्रुप कोचिंग भी की जाती है। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शील फाटा स्थित दोस्ती में जो MMRDA के रेंटल फ्लैट है, उसमें जिस तरह से घोटाला सामने आया था, 18 फ्लैट का घोटाला उसमें सामने आया था, और इसमें जो है अब तक 3 लोगों के ऊपर जो है इसी गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है, और पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल भी कर रही है। और वहीं विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने भी इस पूरे मामले में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। लेकिन आज गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो है यहाँ TMC हॉस्पिटल पर पहुँचे थे, और अब तक इस दोस्ती में जिस तरह से जो MMRDA का फ्लैट घोटाला जिस तरह से सामने आया था, डुप्लीकेट चाबी और जो है फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ पर घोटाला किया जा रहा था, इसमें पत्रकारों ने जब सवाल किया तो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने क्या कुछ जवाब दिया है, सुनिए। आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं हर दूसरे दिन ये पूरी केस की मालूमात लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें जांच चालू है और जो भी दोषी है उसको छोड़ा है। सर आपको क्या लगता है, जो जांच अब तक हुई है और जो चीज़ें सामने आई है, तो मनपा अधिकारियों की मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे सर? मैं इस पर आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जांच चालू है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुलेआम नहीं बताई जा सकती, उससे जांच के ऊपर कार्रवाई के ऊपर असर हो सकता है। तो आप लोगों के जो दिल में है वैसे ही कार्रवाई हो, ऐसा है। जब पुलिस जांच करती है तो उसके ऊपर कोई समिति नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, जिसमें महानगर पालिका इंटरफियर भी नहीं कर सकती। तो जानू का आंदोलन है।